Body sleeping on a rough horizontal surface plane moves with a deceleration 4 meter per second. What is the coefficient of kinetic friction between block and plane? तो suppose करो कि ये एक surface है और जिस पे एक block रखा हुआ है m mass का, ये horizontal surface है suppose m mass का है और ये इस direction में मूव कर रहा है, तो जब रिलेटिव स्लिपिंग होगी ब्लॉक और सरफेस के बीच में तो नो डाउट जो फ्रिक्शन होगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा यानी एफ के। अच्छा, इस पे और फोर्स है एम जी, नीचे जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स एन की वैल्यू यहाँ पे एम जी के बराबर होगी और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये म्यू के एन होता है, यानी कि म्यू म्यू के एम जी। अच्छा, चूँकि ये आगे मूव कर रहा है इसके पास वेलोसिटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ यही एफ के है, लेकिन पीछे है इसलिए रिटार्डेशन, चूँकि आगे मूव कर रहा है फ्रिक्शन पीछे है इसलिए ये फोर्स जो है इसमें डिसलरेशन यानी कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन की वैल्यू होगी फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, यानी फ्रिक्शन कितना है हमारा, फ्रिक्शन है म्यू म्यू के एम जी, म्यू के एम जी अपॉन मास, एम एम कट गया। तो रिटार्डेशन की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है, जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो है म्यू के जी। एक्चुअली ये फार्मूला ये उस सारे फोर्स केसेस के लिए जिसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक मूव करता है और कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन इतना ही रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वैल्यू रिटार्डेशन की है हमारी, कितनी है रिटार्डेशन की, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो इससे ए की वैल्यू है 4 और म्यू के की वैल्यू पूछ रहा है और जी की वैल्यू 10 ले लिए, तो इस तरह म्यू के की वैल्यू जो है 0.4 आ जाता है। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड, रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद ए स्पीड, इनिशियल स्पीड ये है, कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना है, हाउ फार इट विल गो। सो अभी हम लोग ने जस्ट अभी देखा कि अगर कोई ब्लॉक अगर इधर मूव कर रहा है तो और फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के वजह से इधर एक रिटार्डेशन लगेगा जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा म्यू के जी के बराबर था, ये रिटार्डेशन है। तो म्यू की वैल्यू है हमारी 0.1 और जी तो रखते हैं यहाँ पे, अगर ये तो 0.1 और जी की वैल्यू 10 रख दें तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड है 10, ये रिटार्डेशन है कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये जब रुकेगा तो फाइनल वेलासिटी जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलासिटी 10 है, रिटार्डेशन है इसलिए ये -1 लगेगा, रिटार्डेशन 1 है, -1 लिख दिया, और s यही पूछा है कितना दूर जाके रुकेगा तो इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा 100 बराबर 2s, तो s इक्वल टू हो गया 50 मीटर, 50 मीटर चल के ये रुकेगा। क्वेश्चन है ये, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट इज म्यू, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। तो सपोज ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे हमने कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, तो इस पे फोर्स जो लग रहा है एम जी, एम मास का है ये, नॉर्मल फोर्स एन लग रहा है, और देखिए क्या आप फ्रिक्शन तब लगता है इस पे जब ये इसको कोई सरकाने की कोशिश करे, व्हेन वन सरफेस हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लिप, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स आई मीन, एक्सटर्नल तो नॉर्मल फोर्स एम जी भी होगा, मेरा मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई एजेंट नहीं लगा रहा है, नो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड नो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बाई एनी एजेंट, एनी एजेंट, सो नो टेंडेंसी, टेंडेंसी टू स्लिप, स्लिप करने की कोई टेंडेंसी नहीं तो फ्रिक्शन लगेगी नहीं, फ्रिक्शन जीरो होगा, जीरो,
स्टैटिक फ्रिक्शन, कहने कोई भी फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ज़ीरो। अब ब्लॉक स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट कवर 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। देखिए सपोज करिए एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये एम मास है, तो इस पे जो अलॉन्ग द इंक्लाइंड फोर्स लगता है होता है एम जी साइन थीटा। ये एक्चुअली इस पे फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक फोर्स है एम जी और एक फोर्स है नॉर्मल, और इसकी टेंडेंसी सरकने की है तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, सरक रहा है तो एफ के। हमने एम जी को रिजॉल्व करेंगे तो इसके कंपोनेंट जो आ रहे हैं एक इधर आ रहा है, एम जी तो सब बड़ा कर दें, एम जी तो एम जी साइन थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आता है एम जी कॉस थीटा। तो चूंकि अगर हम लोग एक्स एक्सिस इसके इधर लें, वाई एक्सिस इधर लें, तो नो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ये ज़ीरो होगा, तो जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो होगी ये होगा एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा है, और फ्रिक्शन एफ के जो होता है ये होता है म्यू के एन, आई मीन्स म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो चूंकि ये फोर्स हम एज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शन से बड़ा है, हमारे थ्योरी लेक्चर आप देखिएगा ये पता है कि कब बड़ा होता है, जब भी टैन थीटा म्यू से बड़ा होता है तो ये सरकता है, तो ये फोर्स बड़ा होगा। तो ये थ्योरी की पार्ट हो गई, अभी फ़िलहाल ये देखिए कि ये फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो एक्सलेशन जो होगा नेट फोर्स अपॉन मास डाउन द इंक्लाइंड, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो ये एक फार्मूला है जो हम लोग को याद भी रखना चाहिए कि डाउन द इंक्लाइंड एक्सलेशन का जो फार्मूला है वो होता है साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये हम लोग को याद भी रखना चाहिए। तो ये एक्सलेशन है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 30 डिग्री इंक्लिनेशन है और 8 मीटर फर्स्ट 2 सेकंड में कवर कर रहा है, तो ये बताइए s इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s है 8 मीटर, एक्सलेशन नहीं मालूम फर्स्ट टू सेकेंड है। तो इस तरह ये हो जाएगा 2a, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2a, तो a की वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख के, एंगल दिया है, g मालूम है, म्यू के निकालेंगे। तो चूंकि a इक्वल टू है g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के कॉस 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं, 1/2 म्यू के कॉस 30 होता है √3/2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे म्यू के की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0.11 आएगी। तो क्वेश्चन है अगला, सपोज द ब्लॉक इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइंड विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग द फ्रॉम द रेस्ट। तो सपोज करिए ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, ये ब्लॉक है 4 kg का, और म्यू वही लेंगे जो पिछले प्रॉब्लम में था 0.11। तो इस पे देखिए, इसमें क्वेश्चन में इस बार कहा गया है कि इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स हम कितना लगा रहे हैं 4 न्यूटन का, तो इससे फ्रिक्शन, ये ऑलरेडी एक पहले से फोर्स है एम जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन हमारा एफ के लग ही रहा है,
तो एक्सलेशन जो हम कैसे कितना हो जाएगा, एक्सलेशन जो अपने नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड कितना होगा, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड, जो होगा वो होगा एम जी साइन थीटा प्लस 4 न्यूटन माइनस एफ के, ये हो गया नेट फोर्स। तो एक्सलेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एम हमारा है, एम है 4 kg, 4 kg भी है और 4 न्यूटन भी लगाए थे, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा प्लस 4 माइनस म्यू म्यू के एम जी कॉस थीटा अपॉन इसका मास, तो ये हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा 4 बाई एम माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये 10 sin 30 degree प्लस 1 माइनस 0.11 इंटू 10√3/2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और ये सॉल्व करने के बाद, एस इक्वल टू 1/2 AT² लगा देंगे, हाफ ये ए की वैल्यू रखेंगे और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड में, तो यहाँ 2 रख के स्क्वायर और ए की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है ये 10 मीटर आ जाएगा।